आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैलेंटाइन स्पेशल बिस्किट केक की रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से झटपट से बन भी जाती है। और इस केक की खास बात ये होने वाली है कि हमने इसे किसी ओवन में नहीं बल्कि इसे कुकर में बनाया है। बहुत ही आसान है, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका आपकी अपनी दावत में। इस तरह का बिस्किट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पैकेट बर्बन क्रीम बिस्किट्स और आधा कटोरी चीनी। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी जार। अब इसमें डाल देते हैं ये क्रीम बिस्किट्स। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर ये 2 बड़े वाले पैकेट्स आते हैं इस बिस्किट से, वो यहाँ पर यूज़ किए हैं। अगर आपको किसी दूसरे टाइप के क्रीम बिस्किट्स पसंद है तो आप यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओरियो है, आप यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स का भी यूज़ करके इस तरह का केक बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी चीनी भी इसमें डाल दी है, अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए, मैंने इसे एकदम फाइन पाउडर में यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है। देख लीजिए, बिल्कुल ये जैसे कोकोआ पाउडर होती है उस तरह से ये दिखने लगा है। तो बस आपको इसी तरह से इस केक पाउडर बनानी है। तो यहाँ पर एक बाउल में इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब इस क्रीम बिस्किट्स के पाउडर में हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 1 चुटकी भर नमक। इससे हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ 3 चम्मच, जो हमारा खाने वाला चम्मच होता है स्टील का, उसके हिसाब से 3 चम्मच तेल। आप चाहें तो यहाँ पर मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तेल डालने से हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनेगा। अब यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप मैंने वेनिला एसेंस भी डाल दिया है। तो देख लीजिए, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे है। फ्रिज से मैंने 1 घंटे से पहले ही से निकाल लिया था। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर अब ये जो केक का बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं और 2 चम्मच दूध इसमें डालकर एक बार अच्छी तरह से इसे फेंट लूँगी। आपका जो केक का यहाँ पर बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल जैसे इडली या डोसे का जो बैटर होता है उसी तरह से आपको यहाँ पर रखनी होगी। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैंने केक का बैटर अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको इस केक की रखनी होगी। दूध एकदम से डालने से आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स कीजिए। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 इनो का पैकेट, जो आपको रेगुलर वाला ब्लू कलर में आता है वही यूज़ करना है। बाकी के फ्लेवर वाले जो आते हैं वो यहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है, वो इनो पाउडर मैं इसमें डाल देती हूँ। और बस इस इनो पाउडर को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर 1 छोटी चम्मच दूध डाल देंगे। देख लीजिए, ये झट से बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो एक बार अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। ये काम आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, क्योंकि जो इनो की एक्टिव पावर है वो ख़त्म हो जाएगी तो आपका केक अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो फटाफट से मिक्स कर लें। अगर आप इस केक में इनो पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जगह पर आप 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। ने के बाद अब यहाँ पर मैंने एक लिया है स्टील का डब्बा, तो आप इसमें नीचे इस तरह से बटर पेपर लगाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल से ग्रीसिंग कीजिए और उसमें ये बैटर केक का डाल दीजिए। बस अब हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। आप जिस भी बर्तन में केक बना रहे हैं वो बिल्कुल पहले से ही आपका रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये काम थोड़ा सा जल्दी से करना है। बस 2-3 बार इसे टैप कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। जैसे कि हम लोग इस केक को कुकर में बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कुकर को मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा मैंने इसके नीचे तले में नमक डाल दिया है। अब इस कुकर में हम लोग नीचे एक खाली डब्बा या किसी भी तरह का स्टील का स्टैंड रख देंगे। देख लीजिए, यहाँ पर कुकर प्रीहीट होकर अच्छी तरह से तैयार है। तो अब नीचे एक डब्बा मैंने रख दिया है, उसके ऊपर हम लोग अब ये केक का टिन रख देंगे। तो देख लीजिए, इस तरह से मैंने इसे रखा है। बिल्कुल आराम से कीजिएगा, क्योंकि हमारा कुकर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, और कुकर के अंदर की जो रिंग होती है रबर, उसे मैंने निकाल लिया है। और चाहे तो आप यहाँ पर सीटी उसे रख सकते हैं, इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और हाँ, अगर आप इस केक को ओवन में बनाने जा रहे हैं तो आपको इसे 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक बेक करना होगा। तो बस 25 मिनट हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा केक तैयार हुआ है या नहीं। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमारा यमी सा बिस्किट चॉकलेट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो
इसे अब निकाल लेते हैं बाहर। देख लीजिए बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी लग रहा है। बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारा केक बनकर तैयार है। तो सबसे पहले इसे बाहर निकाल लेंगे और पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा केक जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडा हो चुका है, तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से आपको इसके ऊपर प्लेट रखनी है और नीचे से डब्बा इसका उल्टा करना है, बस आसानी से आपका केक बाहर निकल जाता है। और हमने जो यहाँ पर बटर पेपर लगाया था उसकी हेल्प से आपका केक बिल्कुल भी नीचे चिपकने का डर नहीं है, तो ये बटर पेपर भी आराम से निकाल लेंगे। तो बस मैंने इसके ऊपर का जो बटर पेपर था उसे भी निकाल लिया है और हमारा केक अभी बनकर बिल्कुल तैयार है। चाहे तो आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पास से दिखाना चाहूँगी कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, देख लीजिए। और खाने में भी एकदम टेस्टी है, जैसे आप बाहर से बेकरी से लेके आते हैं सेम उसी तरह का एक केक बनता है। तो एक बार ज़रूर इस वैलेंटाइन में इसे ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो देख लीजिए मैंने इस बिस्किट चॉकलेट केक को इस तरह से डेकोरेट कर लिया है। आप भी आपकी पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वैलेंटाइन स्पेशल केक की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड दावत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दावत चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन इस तरह से दबाकर साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो आपके लिए रोज़ नए नए वीडियोज़ लेकर आती हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।